ये आपका और हमारा भ्रम है कि मैं मुख्य अतिथि हूँ या कोई आने वाला मुख्य अतिथि है। मुख्य अतिथि तो साक्षात ईश्वर अपने सामने विराजमान है और ज्योत के रूप में माँ विराजमान है और उनके नजदीक ये पूरा जो सेवा मंडल है जीर्ण माता का, ये मंडल अति महत्वपूर्ण है। सारे मंडल के सदस्य पदाधिकारी, मैं आपको श्रेष्ठ मानती हूँ कि आप माता के नजदीक रहते हैं और उनके बाद में नंबर आता है ये गायक कलाकार। और मंच पर उपस्थित अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय गुरु जी है वो भी सुभाष जी, यहाँ से एसडीएम है राकेश मीणा जी, बागड़ी जी, और सम्मानित पूरा मंच महाराज जी, और आप सब बैठे हैं इधर भी और इधर भी। पता नहीं किस वेश में और कौन सी तरफ माता बैठी है, बैठी जरूर है, सिर्फ आपकी और हमारी नजरों का फर्क है कि अपन पहचान नहीं पाते हैं। और आज आप सब भजन सुनने के लिए बैठे हैं, इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं, हम देते रहोगे भाषण तो हम देते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भाई ने कहा, मुझे शर्म आ रही थी कि आप ऐसा कह रहे थे, ये भाई का बड़प्पन है क्योंकि बांसुर विधानसभा क्षेत्र पूरा मेरा परिवार है और अपने परिवार के लिए मदद करना ये मेरा फर्ज भी है, धर्म भी है, कर्तव्य भी है। मैंने कभी भी किसी को पराया नहीं माना, मैंने हमेशा आप सबको अपना माना है। इसीलिए हर भाषण में मैं कहती हूँ कि बच्चे ये जो भी है यहाँ सभी लोग आप उपस्थित है, चाहे कलाकारगण है, चाहे मंचासीन नेतागण है, अधिकारी है, कि आप और हम सब शीशे में देखते हो, अपनी सूरत देखते हो क्या? देखते हो, सूरत तो देखी हर इंसान ने, कोई ऐसा नहीं है जिसने शीशे में मुंह नहीं देखा हो, नहीं है ना कोई भी ऐसा, नहीं है? कोई ऐसी आंख नहीं जिसमें आंसू ना आया हो, कोई ऐसा इस धरती पे पैदा नहीं जिसने अपनी मां का दूध पिया नहीं है। क्या कोई आंख ऐसी इस धरती पे जो इंसान पैदा हुआ है? नहीं है। तो आपकी अपनी जो सूरत और सीरत ये बनाने वाला भगवान साक्षात मां और बाप। आप जितने भी यहां बैठे हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, आपकी मां ने जब आपको दूध पिलाया था तो पैर के अंगूठे को मुंह से चूमा, अब भी देखते हो। और बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, उस मां ने पूरे 9 महीने उस मां ने आपको अपने खून से सींचा। और उस माँ बाप के लिए आजकल बच्चों के पास 10 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं बैठते अपने माता पिता के पास। आप कभी फोन करते हैं? आप सरदार जी फोन करते हो अपने पेरेंट्स को? तो कम से कम कहीं भी रहे अपने माँ बाप की शक्ल और सूरत और सीरत को नहीं भूले, उस माँ के दूध के कर्ज को नहीं भूले। और आपसे मेरा अनुरोध है इस मंच के माध्यम से कि आप कोई भी भाई अपनी गाड़ी और घोड़ों को तेजी से नहीं चलाएं, क्योंकि उस माँ का लहू इतना सस्ता नहीं है, उसको आप सड़क पे दिखेंगे। ये मेरा अनुरोध है आपसे। ये इसलिए कह रही हूँ कि जब भी मैं SMS हॉस्पिटल जाती हूँ, बांसुर विधानसभा क्षेत्र का हो, सड़क पे जब पड़ा हुआ बच्चा दिखता है तो मुझे उसमें मेरे बेटे की शक्ल दिखती कि मेरा लाल है। वो किसी औरत का बेटा है, सुहाग है, भाई है। और मैं जी जान से अगर मेरा खून भी देना होता है तो पूरी उसकी मदद करती हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार का है। तो फिर आप क्यों नहीं अपने आप को भूल जाते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने, आपकी पूरी समिति ने जो मुझे मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।